मैं आप दूध थोड़ा कम गर्म पियेंगी या बहुत गर्म पियेंगी? मैं अकेले खा जाऊंगा। देख तू पहले से कंटिन्यू बारिश हो रही है, पता नहीं रात से हो रही है या जब से उठा हूँ तब से कंटिन्यू देख रहा हूँ कि बारिश हो रही है। ये शायद उसकी वजह से हो रहा है जो साइक्लोन हिट किया है, और मैंने देखा कल मुंबई वगैरह में तो काफ़ी तेज आंधी चल रही है, वहाँ पेड़ वेड़ गिर रहे हैं। तो प्लीज़ वहाँ पर जो भी लोग हैं जहाँ पर भी ये साइक्लोन हिट कर रहा है उन सभी जगहों पर प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। और आई जस्ट वोक अप एट 7:30 एंड मैं नहा लिया हूँ, ये शेवी नहाने गई हुई है और मैं वेट कर रहा हूँ कि बारिश रुके तो मैं दूध लेके आऊँ, वरना दूध वगैरह कुछ है नहीं। एक बार मेरे को चेक करना पड़ेगा कि दूध है या नहीं है, वैसे नहीं चलेगा काम, रोज़ाना 1 किलो लाना पड़ता है क्योंकि सब पीते हैं, 4 जने हैं हम। तो आई एम जस्ट वेटिंग कि ये बंद हो जाए बारिश तो मैं चला जाऊँ जल्दी से, नहीं तो फिर एक बार पास में ये भाग के जाऊँगा बारिश में और लेके आ जाऊँगा। न्यूज़ में भी आ गया था इसके लिए कि ये राजस्थान को भी हिट करने वाला है, मतलब राजस्थान में भी अच्छी खासी बारिश होने वाली है। तो इसी वजह से कल से मौसम ख़राब हो रहा था और आज बारिश आ रही है सुबह से ही, बट तेज़ नहीं आ रही, आराम आराम से आ रही है। मे भी हो सकता है राजस्थान के कुछ और पार्ट्स में बहुत तेज़ आ रही हो, जैसे कल मुंबई और गुजरात में मैंने देखा, गुजरात का तो इतना मैंने नहीं देखा लेकिन मुंबई में बहुत तेज़ बारिश आ रही थी, बहुत तेज़। तो बारिश नहीं रुकी और मुझे भाग कर लेकर आना पड़ा, लेकिन मैं लेकर आ गया। पहले तो मुझे लगा शॉप बंद है लेकिन हाँ खुली हुई थी, मैं दूध और ब्रेड दोनों ले आया। अभी दूध गर्म कर लेते हैं। इसको डाउन कर देता हूँ, मुझे बाहर निकल जाएगा 3 पर विटामिन सी। और काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कौन से ब्रांड का मैं पीता हूँ, तो मैं अभी ये करंटली इंटू का पी रहा हूँ विटामिन सी। बाकी आपको जो मर्जी है वो ले लीजिए, काफ़ी सारे ब्रांड्स के आते हैं विटामिन सी, आपको आराम से ऑनलाइन कहीं पर मिल जाएगा, जो मर्जी वो पीजिए। मैं उसली खाऊँगा, उसली में भी 2 फ्लेवर ला रखे हैं मैंने, एक तो ये जो नॉर्मली शॉप पर मिल जाता है, ये मेरे को किस्मत से मिल गया तो मैं ये भी लेकर आ गया, बाकी ये ज़्यादा बेटर है। ये है फ्रूट एंड नट्स एंड दिस इज डार्क चॉकलेट क्रैनबेरी। इसमें प्रोटीन की वैल्यू इससे ऑलमोस्ट डबल है, इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी ये, देन सेकेंड ये। सेव्ड, एकदम एंड में आके बचा लिया भाई। बारिश में भाग कर दूध वगैरह लिया है, ब्रेड लिया है, लेकिन मैं पनीर लाना भूल गया, और कल भी मैं पनीर लाना भूल गया था, कल रात को फिर प्रोटीन बार खा के सोया हूँ और अभी फिर से भूल गया, अभी मुझे वापस से बारिश में भाग के जाना पड़ेगा। और अभी मीकू नहाने गई हुई है, ये पता नहीं कितनी देर में निकलेगी, वैसे तो 1 घंटा है शॉप बंद होने में। कोई बात नहीं, सोया चंक्स पड़े, आज सोया चंक्स खाऊंगा। विटामिन सी पी लिया, अभी 15-20 मिनट बाद म्यूसली खाऊंगा दूध के साथ, देन प्रोटीन शेक पीऊंगा। और ये मॉर्निंग का नाश्ता मेरा थोड़ा सा हैवी सा हो जाता है, और म्यूसली में मैं 2 चम्मच पीनट बटर डाल लेता हूँ बेसिकली, तो उससे और एकदम हैवी सा नाश्ता हो जाता है, तो मेरे को जल्दी से भूख वगैरह नहीं लगती है। देन दिन में और रात को थोड़ा सा लाइट रहता है मॉर्निंग के मुकाबले में, एंड अभी प्रोटीन शेक भी पीना है, तो एकदम परफेक्ट मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो जाता है। एक कमेंट पड़ा था मैंने, जैसे मेरे से पूछ रहे थे कि प्रोटीन शेक पानी में लेना है दूध में लेना है, मैं पानी में लेता हूँ, बाकी दूध में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मेनली जो गेनिंग पर हैं वो दूध में आराम से ले सकते हैं, और मैं ज़्यादा गेनिंग पर नहीं हूँ तो मैं पानी में प्रेफर करता हूँ। पानी में जल्दी ही आपकी बॉडी में असर करता है वो, और दूध में थोड़ा डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, तो पानी दूध किसी में भी ले लीजिए आपकी मर्ज़ी। बाकी जिनको गेनिंग करनी है वो तो 2 केले डालो, 2 चम्मच पीनट बटर डालो, 1 गिलास दूध डालो, मस्त मिक्स करके पी जाओ, मस्त टेस्टी सा शेक बनाकर। और जब गेनिंग कर रहे होते हैं ना तब डाइट बहुत प्यारी होती है, मतलब एकदम ऐसा टेस्टी टेस्टी एकदम शेक पीने को मिल रहा है, और मस्त खाते पीते मस्त है। बट हाँ, जब एकदम थोड़ा सा लीन करना होता है या एकदम मेंटेन करना होता है बॉडी को, तो बहुत सोच समझ के खाना पड़ता है। मेरा सिर्फ ब्रेकफास्ट टेस्टी है, देन दिन में पनीर खाता हूँ, शाम को भी पनीर खाता हूँ, अभी दिन में सोया भी स्टार्ट कर दूंगा, सोया चंक्स जो कि बहुत अच्छा होता है, हाई इन प्रोटीन, बट हाँ उसको भी ज़्यादा नहीं खा सकते हैं, और कभी कभार चीज़ सैंडविच भी खाना पड़ता है, लेकिन हाँ पनीर ज़रूर होता है उसमें ताकि मेरा प्रोटीन इंटेक प्रॉपर रहे। मेरी किस्मत बहुत ही ज़्यादा खराब चल रही है, पीनट बटर भी खत्म हो गया, बट आज का काम तो निकल जाएगा, ये साइड साइड से निकाल लूँगा। पीनट बटर के साथ कुछ और भी लाऊँ क्या? ऋषि नहीं, नहीं, नहीं। ये मैम छोड़ो, शी इज नॉट वेल, थोड़ी सी ये अपने पीरियड्स पे है तो उस टाइम थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए अभी रेस्ट कर रही है। तो आज मैं इसका एकदम ध्यान रखने वाला हूँ, आज इसको मैं कोई काम नहीं करने दूंगा, आज ये बस आराम करेगी। ओके मैम, या झाड़ू लगा दूँ, पोछा लगा दूँ? झाड़ू पोछा हो गया, थैंक गॉड, भैया आ गए, ए भगवान, मैं तो टेंशन के मारे पागल हो जाती। तो भी है ना, मैं मिकोडी और चियो से करवा देगा। हाँ हाँ, हाथों से खिलाऊँ क्या मैडम? नहीं खा लूंगी, चल मैं वाइटामिन सी बना के लाता हूँ। मैम आपको वाइटामिन सी, तुम्हारे को भी विटामिन सी चाहिए क्या? चाहता
और कुछ मैम, कुछ ठंडा पानी, चॉकलेट? वो खाएगी क्या असॉर्टेड वेज? मुझे पता, मैं चॉकलेट नहीं खाती। चल ठीक है। क्या हम खाते हैं? लेकिन क्या खाते हो? चॉकलेट। चॉकलेट कलर की चप्पल लेके आता हूँ, ब्राउन कलर की है मेरे पास एक। एक बार पहले मैंने इसी टाइम चॉकलेट खा ली थी, मेरी जो हालत हुई, दर्द से रो रही थी मैं बैठ के। बहुत देर तक नहीं मंगवाई थी, मुझसे ही मंगवाई थी वो चॉकलेट। एक्चुअली ऐसा मैंने सुना था दैट डार्क चॉकलेट अगर आप पीरियड के टाइम खाते हो सो इट्स गुड, बट आई डोंट नो मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ उल्टा हो गया, मेरे जो क्रैम्प्स हैं वो बढ़ गए और बहुत दर्द होने लगे। मुझे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पेन होता है और वो इतना बढ़ गया। और हुआ ये चीज़ कि उस दिन ये लोग जिम चले गए, मैं ऑब्वियसली जिम जा नहीं सकती, तो मैं घर में अकेली थी। वो मुश्किल से गुजरा एक घंटा, मतलब मुझे ऐसा लगा मैं मर जाऊंगी, अब मैं मर जाऊंगी। देखो यहाँ आके बैठ गई, इसका मन ही नहीं लग रहा वहाँ बैठे बैठे, मेरे से बैठा नहीं आता। एंड गाइस, हम लोगों ने 1.5 मिलियन कंप्लीट किए। वी आर जस्ट 5 लाख 2 मिलियन में। थैंक यू सो मच गाइस, 1.5 मिलियन कंप्लीट कर लिए। एंड बारिश रुक चुकी है। रेन गो अवे, कम अनदर अनदर डे, कम अगेन अनदर डे, लिटिल येशी वांट्स टू प्ले रेन गो अवे। और कोई पोम याद है तेरे को बचपन की? और तो कोई याद नहीं यार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आर वंडर हाउ यू आर, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, व्हाट यू आर। हां, अप अबाउट द वर्सो व्हाई द वर्ल्ड सो हाई। अच्छा, और योर एक शब्द याद नहीं रहता था, मैं तो फ्लो में बोलता था, अप अबाउट द वर्सो हाई। बारिश बंद हो चुकी है और अब जो कपड़े सुबह भीग गए थे, यहाँ कल रात को सुखाए थे, कल आपको पता ना मैंने धोकर कपड़े सुखाए थे और वो कपड़े भीग गए, तो अभी वापस उन कपड़ों को सर्फ से निकाल कर धोकर वापस सुखाता हूँ। आई होप अभी बारिश नहीं आएगी। वैसे बादल तो पूरे के पूरे अभी भी ढके हुए हैं क्योंकि बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है बाहर। हाँ, बहुत ठंडी है। अभी इस वाटर बैग में गर्म पानी भर के देता हूँ एसी को, ताकि उसको अच्छा लगेगा। इसे पानी गर्म करने के लिए कोई बर्तन दे दो। वाय, मिल गया। दे दे दे, उधर बता। जितना दूध बचा हुआ है दूध पीते क्यों नहीं हो तुम लोग? फिर इतना सारा बच कैसे गया? ओके, कोई बात नहीं, आप नहीं पियो कोई दिक्कत नहीं है। कितना गर्म करूँ पानी? हंस कह रही है कितना गर्म करूँ? दूध भी पड़ जाएगा। दूध नहीं है, पानी है। गल अच्छे से गर्म और पूरा बॉइल करूँ पूरा? उससे पूछ ले तो। नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा। मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे तुम सोते हुए। Only she can sleep। हाँ भाई, हम तो पागल हैं। Yes। समझा ले रहे इनको। ठंड लगी लगी तेरे को? ठंड लग रही यार, इसमें आज ठंडा मौसम हो रहा है ना। और वापस बारिश चालू हो गई अभी बाहर। पता है क्या, सूरज नहाने में इतना बहरा, जल्दी तो उठ गई, तेरे बाद नहाई भी लेकिन ना ठंड लग रही है मेरे को। ठंड लग रही नहाने में बहुत तेज, और आज मेरे बाल और धो लिए। मैं खुद इतनी हिम्मत करके पहले पैर रखा ऐसे शावर के नीचे, फिर हाथ गया हूँ ऐसे, फिर एकदम से सर लगा दिया और उसके बाद फिर नहाया हूँ। पर पता है मेरे साथ क्या, मेरे को तो सर धोना, मैं करूँ क्या, मैंने तो हिम्मत रखी भाई, कर सर धोना है फिर कैसे जैसे कपड़े मैं नहाने को सारा, सबसे पहले दिमाग में यही आया। पता है कि सूरज, हमारे घर में से बारिश आती है ना, मम्मी ना कमरों में तनिया बांध देती है। और क्या, ये होता है ऐसे इधर से इधर जा रही है, उधर से उधर जा रही है, और मेरी मम्मी तो मेरे कमरे में मार देती है। और मैं ऐसे बेड से निकलूं, मतलब बेड की तरफ जाऊं, ये गाल्फ लगा, उठ के निकलू तो इधर टकरा गया। मुझे मेरा घर याद आया। तो तू घर की याद आ रही है? यहाँ पे तनिया बांध दे आपके लिए। मीकू एक बार देख लेना गर्म हो गया क्या नॉर्मल, नहीं उठेगी ये पार्टी। अरे उठ जा, देखा देखा चिया दीदी गई। ये स्टंट मत कर तू, चली जा उधर, उंगली डाल के चेक कर रही है उसमें। गरम है यार ज्यादा, सही होता है यार, गरम है बिल्कुल बहुत। देखो गरम 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 करा दी। कुछ इस तरह हम अपने कपड़े सुखा रहे हैं, तो बोर तो नहीं हो रही? नाच के दिखाऊं, डांस करके दिखाऊं, एंटरटेनमेंट करूं? तुमने ज्यादा मसाले डाल दिए शायद। नहीं डाले मैंने वो ज्यादा मसाले, बिल्कुल कम कम डाले। ठीक है, खा के देखता हूं फिर बताऊंगा। मेरे को नहीं आता था ये बनाना, आपने बताया जैसे बनाया मैंने। क्या बन पीटा पीछे तो बंद करो, बंद ही है वो, बंद ही है वो। तू तो चुप रह, तुझसे तो कोई काम हुआ नहीं। आपने कर लिया ना,
कच्चे कच्चे सोया खिला दिए। अरे यार मैंने इनको पहले बोला था मुझे नहीं आते बनाने, मुझे मत बनवाओ। यशि थोड़ा सा गरम ज्यादा है, गरम पिए कि थोड़ा ठंडा करूं? चल रहा है। एक्सक्यूज मी मैम, आप दूध थोड़ा कम गरम पिएंगी या बहुत गरम पिएंगी? थोड़ा सा गरम। तो बहुत ज्यादा गरम है तो उसमें क्या करा जाए, आइस डाल दूं? दो मिनट रखे रहने। आप भूखे हैं लेकिन फिर वेफर्स दे दो इनको। कुछ और बिस्किट विस्किट खाएंगे? कल आपने जो रात को बिस्किट खाए थे वो खाने आपको? नहीं। और तू बोर तो नहीं हो रही है? रात को क्या खाएगी तू बता, मैं बनाता हूँ मस्त सी चीज। अभी तुम्हें कुछ सॉर्टी वेजिटेबल्स बनाएंगे? अच्छा सॉर्टी वेजिटेबल बनानी थी। कौन बनाएगा? मेरा भी ऑर्डर। मैं बना लूंगा। जा चल निकल, तूने तो बना दी कच्चे सोया बना दी जो। यार ये कितना बेकार है, पिछले दो दिन से सॉर्टी वेजिटेबल्स खा रहा हूं, उसका कुछ नहीं। ओके मैडम तो मैं वर्कआउट करने चला जाऊं? अच्छा बच्चों अच्छे से ध्यान रख लेना, ठीक है? वैसे तुमसे रखा नहीं जाता ध्यान। देखो वैसे अगर अच्छे से ध्यान रखना है तो जिम के अच्छे से रहना पड़ेगा। नहीं कर पाओगे? चल थोड़ी देर थोड़ी कम टेक केयर के लिए साथ रह ले तू। क्यों रह ले, कॉम्प्रोमाइज क्यों? आपको तो फिर छुट्टी भी चाहिए, अच्छी तरीके से करना है तो रह ले। नहीं वो चाहती है मैं जिम जाऊं, मैं एक्सरसाइज करूं, मैं बॉडी बनाऊं, ठीक है ना? तू कम बोल। इस सिचुएशन में मैं क्या बोलूं? मैं क्या बोलूं? चल ठीक है मैं एक्सरसाइज करके आ रहा हूं, फटाक से करके आ जाऊंगा। व्हाट हैपेंड मीकू? आपने मेरे को मंदी तारीफ करी ने यार, तू इतना अच्छा अच्छा सॉर्टेड वेजिटेबल्स बना रही है। देखो अब तू ऐसे यू करे, इतनी टेस्टी सॉर्टेड बना रही है, ये भी करा दी मेरे को। यू करेगी फिर तेरे मीम्स बनेंगे, फिर तो बोलेगी मेरा चैनल पे जैसे मेरे मीम्स बना दिए। मीकू के फैन पेजेस है पापा कितनी, तो मैं हूं ही। हमारे फैन पेजेस ही नहीं है बताओ? नहीं यार हमारे बहुत अच्छे अच्छे फैन पेजेस हैं, बहुत प्यारे प्यारे। अभी मार खाता था ये। नहीं नहीं बहुत प्यारे फैन पेजेस हैं, प्यारे फैन और काफी पहले से, और बहुत प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो, और बहुत प्यारे प्यारे एडिट्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं। बच्चे भी हैं बड़े भी सब हैं। अच्छा सब हैं, बहुत प्यारे एडिट्स बनाते हैं। फिलहाल तो देखो कितनी एक्साइटेड है, मतलब वहां से सुबह से पड़ी हुई थी ये, सिर्फ ये तेरी खुशबू की तेरी खुशबू की वजह से उठकर नहीं आई ये। मैं सुबह से जो सेल्फ टेक केयर कर रहा हूँ ना इसका, उससे इतनी जल्दी ठीक हो गई इसलिए उठकर आ गई, ठीक है ना? तो ज्यादा गलत फहमी मत रहना, तो मैं अकेले खा जाऊंगा। ओए ए देख तू पहले से मेरी तबीयत खराब है, ये तो मेरे लिए बने ना। तुम लोगों ने बीमार का खाना खाया ना, तुम्हें मेरी नहीं बोल सकती, बद्दुआ लगेगी। नहीं बोल सकती ऐसे। पनीर खाएगा? हाँ पनीर खाएगा। नहीं तू खा ले। नहीं खाएगा? मैंने खाना खा लिया। और कुछ खाएगा? मैं तो खाऊंगा यार, वो वीडियो याद है। मैं निकल जाऊँ ना तो आती। अभी तो पहले से तो बेटर फील कर रही है ना? पहले से ये मैं जानबूझ के पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने इसकी इसका ध्यान रखा है ना इसलिए। तो पूछेगा। और कल तक और अच्छी हो जाएगी तू? कल भी ध्यान रखूँ या कल खुद रख लेगी ध्यान? कल तक थोड़ी बेटर हो जाऊंगी। कल तक बेटर हो जाएगी, बाकी नहीं तो मैं तो हूँ ही ध्यान रखने के लिए तेरा, तो टेंशन मत ले तू इतनी। अच्छा गाइस आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, मैं खाना खाता हूँ और वीडियो एडिट करने के लिए बैठूंगा। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, एंजॉय किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं कल, बाय।